बिहार के काराकाट में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोलकर सुन लो, उनको भी जेल जाने का काउंटडाउन उनका शुरू हो चुका है। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता इधर उधर की बातें करते हैं, मुख्य मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, लोग उब चुके हैं। ये मानना है कि हमारी बात नहीं हुई है, भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं, जो मुद्दे मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं, लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के समर्थन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या काम कर रहा है प्रियंका जी? हम सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, शुरू से हम सिर्फ जनता के मुद्दों पे पूरा प्रचार कर रहे हैं, पूरा हमारा मैनिफेस्टो है, सब जनता के मुद्दों पे यही चल रहा है हमारा, क्योंकि जनता यही चाहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है, विकास करना बीजेपी की आदत है। कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहता हूं, राहुल बाबा हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते, पीओके भारत का है, रहेगा, हम उसे लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना, हाँ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है, वो कह रहे हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते, नहीं डरते। कांगड़ा वालों, मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। ये कांग्रेस पार्टी को डराने की आदत लगी है। मोदी जी जब धारा 370 हटा रहे थे, मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। मोदी जी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, पहले 2 चरणों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ, इसलिए 4 जून को इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा, 4 तारीख को देश पीएम मोदी को अलविदा कह देगा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगा।
पहले तो ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है, इंडिया जनबंधन है। पांच चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 428 सीटों में चुनाव हो चुका है और कल 25 तारीख को और 58 सीटों में चुनाव होंगे। पहले दो चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो इंडिया जनबंधन को 4 जून को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को इंसान नहीं परंतु भगवान समझते हैं, वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 4 तारीख को देश उनको टाटा बाय बाय अलविदा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है कि मिलकर लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे, 4 जून को इनकी दोस्ती फिर से खंड खंड हो जाएगी। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन है। बहन और भाइयों, ये गठबंधन कहता है मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर के टूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आप देखना, 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। ये केवल स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मिलकर के लड़ रहे हैं। इन प्रकार सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। आज ये कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, कितना मनगढ़ंत का सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अरे संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि 400 पार का नारा मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा ही है। इस चुनाव में बीजेपी के लिए 300 पार करना भी बहुत कठिन होगा, वो 200 के लिए भी लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने किसान परिवार से कहा था कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सब देखने के बाद लोग कहते हैं कि क्यों इस सरकार को एक और मौका दें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुनेंगे आप, यही है। 400 पार कहाँ होगा, इस जमाने में नहीं होने वाला है। इस चुनाव में 300 पार करने में बहुत कठिन हो गए उनके लिए। मेरे ख्याल में 200 के लिए भी वो लड़ रहे हैं अभी तो। हम जो देख रहे हैं पांच चरण में, लोग काफ़ी असंतुष्ट है सरकार से। बेरोजगारी सबकी ज़िंदगी में है, सारे परिवार के अंदर है, महंगाई भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को बाज़ार जाके जो 3 साल 5-4 साल पहले वो खरीदते थे खाने के लिए, आजकल वो भी नहीं कर सकेंगे। तो इस हाल में, और अगर आप किसान परिवार के हो तो आपको याद है कि मोदी जी ने कहा कि आपकी आय को डबल करेंगे और कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब देखने के बाद लोग कहते हैं कि अभी सरकार को क्यों वो एक और मौका दे दें, किसी और को ले आएं, देखिए कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकता है। तो यही स्थिति है हमारे देश में। जब सिर्फ 20% भारतवासी कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो गया 10 साल में और 80% कह रहे हैं कि नहीं, उनके लिए बुरा हो गया है, तो आप सोचिए कि वोट कहाँ जाएंगे। हमें तो कोई शक नहीं है कि इस बार सरकार बदलने वाली है 4 जून को। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति से मांग कर रहा हूं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो उच्च न्यायपालिका पर हमला कर रही हैं और कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आया हाईकोर्ट का फैसला वो नहीं मानेंगी। हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था वो आने वाला ही था। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल रिजर्वेशन ड्यू टू वोट बैंक मैं वेलकम कर रहा हूं, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और देश का राष्ट्रपति का पास मांग कर रहा हूं, ममता जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने हायर जुडिशियरी जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है उसको अटैक कर रहा है, नहीं मानूंगा। हाँ नहीं माने, मैं चैलेंज करने दीजिए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। ज्यादा सीट मिलेगा, आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता दूंगा ज्यादा सीट। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमित शाह हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दे की बात बीजेपी के नेताओं के मुंह पर नहीं आती, 4 जून को इनकी सत्ता भी चली जाएगी।
देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो लड़ाई इस लोकसभा चुनाव में लड़ाई की लकीर खींची है, ये मुकाबला सच और झूठ के बीच और गरीबी और अमीरी के बीच हो गया। बेरोजगारी से, भूखमरी से, गरीबी से, महंगाई से आजादी दिलाने की बात तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान पाकिस्तान यही अनाप शनाप बोलकर जा रहे हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मुद्दे की बात बीजेपी के नेताओं के मुख से मुद्दे की बात गायब है। अब 4 जून को इनकी सत्ता भी गायब। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक बाद जब लौटेंगे तो 2019 की तुलना में 2024 में घट रहे मतदान प्रतिशत पर क्या बोलती जनता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपूर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा सालगढ़ बिलासपुर नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना अल्मोड़ा हरिद्वार रुड़की सागर सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट बांदा हमीरपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। बचुआ, ओ बचुआ, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी, बचुआ सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी, नूतन वाले राजा हुई है, नूतन वाले राजा हुई है वोटन के भिखारी, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। राजीव कुमार गुप्ता, मतदान का प्रतिशत 2019 के बाद लगातार कम हो रहा है, इसका क्या कारण है? जबकि सरकार दावा कर रही है कि विकास जमकर हुआ है जी, लेकिन सब कम रहा है, भूखों पर बिल्कुल लोग दिख नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मौसम में चुनाव कराया गया है ये अनुकूल मौसम नहीं है, क्योंकि तो इतनी गर्मी है, लोग गर्मी से व्याकुल हैं, वैसे में लोग ठंडा होने दिया कर निकल रहे हैं घर से, मुख्य वजह हमको यही लग रहा है। बाकी सब उत्साहित तो हैं वोट देने के लिए, शाम तक हमें उम्मीद है कि अच्छी खासी वोटिंग हो जाएगी। यहाँ एक बाहरी भीतरी का भी मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर के कुछ नाराजगी? देखिए, बाहरी भीतरी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बहुत पहले से भदोही से जुड़े हुए हैं, वो आज भले उनको बाहर कहा जा रहा है लेकिन उन्होंने अपनी सेवा को हमेशा भदोही के लिए दिया हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर स्पेशल डॉक्टर हैं तो उन्होंने हमेशा निरंतर भदोही के लिए कार्य किया हुआ है, उनको बाहरी नहीं कहा जा सकता। कहाँ और किस क्षेत्र में? अरे वो आर्थो के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो हमेशा भदोही क्षेत्र में हमेशा आते थे और अपनी सेवा को हमेशा दिया है। आना और सेवा देना अलग है, लेकिन यह राजनीति है, राजनीति के मुद्दे पर यहाँ बाहरी भीतरी का मुद्दा चल रहा है, यहाँ के स्थानीय नहीं है। भदोही विधानसभा को भदोही, औराई और ज्ञानपुर और 2 विधानसभा क्षेत्र हड़िया और प्रतापपुर जो कि प्रयागराज जिले के हैं, 5 विधानसभा को मिलाकर के यहाँ भदोही का कोई ढंग का प्रत्याशी नहीं है, इसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी मतदान स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा है? ये कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि बाहरी तो जब कह रहे हैं ठीक है, ललितेश जी भी बाहरी हैं, ये भी आप कह सकते हैं बाहरी हैं, लेकिन अगर दोनों कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी समय से भदोही जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विनोद जी भदोही से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं,
तो इनको बाहरी करना उचित नहीं होगा। बाकी जहाँ तक मतदान प्रतिशत की बात है, वो तो मौसम की वजह से हमको लग रहा है गिरावट है, लेकिन शाम तक अच्छी वोटिंग हो जाएगी। अगर देखा जाए, आपने कहा कि ललितेश जी भी बाहरी हैं, तो ललितेश के परदादा भदोही से ही मंत्री भी रहे हैं, विकास भदोही से ही, उन्हीं के द्वारा किया गया है भदोही का विकास। देखिए वो काफ़ी पुरानी बातें हैं, तो आज के मुद्दे अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ से शुरुआत होती है, तो उन्हीं के परदादा ने यहाँ का विकास किया था। देखिए अब मतदान हो जाएगा और 4 जून को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ किसमें कितना है जन, वो तो क्लियर हो जाएगा ना। आज कहना उचित नहीं होगा। लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान करने आए हैं, 6वें चरण का मतदान चल रहा है, और ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि मतदान का स्तर लगातार कम हो रहा है। मतदान का स्तर सबसे बड़ी कमी ये है कि वो बहुत लोगों को वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, जिस कारण ये भी है। आपको जो है नाराज भी चल रहे हैं विकास को लेकर, लोग आहत है, और अभी तक हमारे संसदीय क्षेत्र में विकास करने को कोई चीज नहीं है। जब तो सर जबकि सरकार दावा कर रहे हैं कि विकास हर जगह हो रहा है, ऐसी स्थिति में जमीन तो स्तर के देखेंगे तब मालूम होगा ना, यानी जो कुछ है विकास कागजों में है और जमीन पर हमारे मतदान क्षेत्र में पैसा कुछ वो तो ही कालीन का क्षेत्र माना जाता है, कालीन से विकास कालीन अस्तर इसमें इतना गिरा हुआ है, लोग रोजगार से परेशान हैं, हर लोग बेकार हैं, घर बैठे हुए हैं, कालीन का स्तर इस तरह गिरा हुआ है। अच्छा, यानी कालीन का व्यवसाय शून्य हो चुका है। शून्य नहीं है, फिर भी चल रहा है, लेकिन जो स्तर से होना चाहिए वो स्तर से नहीं चल रहा है। इसके अलावा और कोई कारण? और क्या, गवर्नमेंट की बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग वंचित हैं, बहुत सी सुविधाएं से लोगों में उत्साह नहीं दिखा है इस बार मतदान को लेकर। उत्साह क्या दिखे, लोग कुछ बेरोजगार से भी परेशान हैं, जिस का मन चाट हुआ है, यही सब कारण है। गिरधारी जायसवाल, इस समय मतदान का जो यहाँ 6वां चरण चल रहा है कभी, और इस दौरान देखा जा रहा है कि लगातार मतदान का जो प्रतिशत स्तर है वो कम होता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है, और लोगों में नेताओं के प्रति नाराजगी भी है? देखिए कुछ तो इस समय जो टेम्परेचर है वो गर्मी, एकदम गर्मी का प्रकोप अपने चरम पे है, सुबह से लेके 11-12 बजे तक मतदान का जो परसेंटेज था वो ठीक चला है, अगर उसके बाद डाउन हुआ है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा जो लोग बाकी हैं धीरे धीरे आ रहे हैं, मौसम उसमें सबसे बड़ा कारण मौसम है। मौसम के अलावा भी कुछ कारण ऐसा भी दिख रहा है कि लोग नेताओं से नाराज भी दिख रहे हैं, ऐसी भी प्रक्रिया देखने को मिली है? जी बिल्कुल देखने को मिली है, इसमें कुछ बाहरी भीतरी का चक्कर भी था, जिसको कुछ लोगों को नाराजगी थी कि प्रत्याशी लोकल नहीं है, मगर प्रत्याशी कोई भी हो कहीं भी हो, वो प्रत्याशी हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, और जिसको पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है तो वो चुनाव लड़ रहा है, और बाकी परसेंटेज तो हर जगह लगभग डाउन चल रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या माना जा सकता है? मतदाताओं में उदासीनता है। ऐसी उदासीनता पहले तो कभी नहीं होती थी, लेकिन 2019 के बाद लगातार ऐसी स्थितियां देखी जा रही है। जी बिल्कुल, जितना होना चाहिए लोगों को मतदान निकल के करना चाहिए, जितना परसेंटेज उतना कर नहीं पा रहे हैं, जबकि सरकार लोगों को जागरूक करने का भी काम करने का काम बहुत कर रही है सरकार, अपने सभी माध्यम से वो रैलियां निकाल कर, टीवी के माध्यम से, तमाम अधिकारियों के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से मतदान की अपील की गई है, और हम लोग भी अपील करते हैं, लेकिन थोड़ा परसेंटेज डाउन है। थोड़ा डाउन है या ज़्यादा? नहीं, डाउन तो है। हमारा इखलाक अहमद है। देखिए वोट का जो परसेंटेज कम हो रहा है, इसका प्रमुख कारण ये है कि लोग जो है अब सरकार से ऊब गए हैं, बेरोजगारी, तमाम तरह की महंगाई, व्यापारियों को अननेसेसरी परेशान किया जाना, ये सब कारण जो हैं, इससे मतदाता जो हैं वो एकदम से कि परेशान हो चुके हैं, वो
वो इसलिए जो है वो लोग अभी अभी पता लगा है, हम लोग सुबह पता लगा है कि तीन चार जगह जो है वो लोग पूरा बहिष्कार कर दिए हैं। तो क्यों कर दिए भाई? उनके पास 14-15 किलोमीटर वो जाएंगे वो मतदान करने के लिए, यानी सरकार के द्वारा लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं। उपेक्षित किए जा रहे हैं भाई, बुरी तरह से उपेक्षित किए जा रहे हैं, इसलिए जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। और कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इतना कम परसेंटेज कभी नहीं होता भाई। मौसम जो है भाई, तापमान तो हाई है ही है, मौसम की वजह से भी कुछ कम है। क्या नाम है भी आपका? विकास कुमार गुप्ता। 2019 के बाद लगातार मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसका कारण ये सर्वप्रथम जो है कि इस जिस पीरियड चुनाव किया जा रहा है उस पीरियड इतनी ज्यादा धूप इतनी गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, और कुछ नेताओं की लापरवाही, उनके कार्य कुछ संपन्न अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, सही नेता चुनाव गर्मी या नेताओं की लापरवाही दोनों पहलू जोड़ा जा सकता है। कुछ गर्मी का भी प्रकोप है, लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, कुछ नेताओं की लापरवाही, नेताओं की लापरवाही किस तरह से, वो तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है ढंग से। आदमी इतना गर्मी बढ़ रहा था तो होता पानी रख दिया जाए, अच्छा खासा दिया जाए। सरकार तो तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, यहाँ की नेताओं की लापरवाही है, यहाँ की नेताओं की लापरवाही है, यहाँ पे यानी मौके पर जो स्थानीय नेता है वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे, व्यवस्था कुछ नहीं दे पा रहे, दे रहे हैं अपने लिए, सिर्फ अपने व्यक्तिगत विशेष, जो प्रशासन जो आज बाहर से आके ड्यूटी कर रही है उनका सर्वोपरि कम से कम आदमी करना चाहिए, यानी प्रशासन को भी कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट जो उनको दे रही है खाना पानी, अभी इतनी गर्मी में आदमी खाना खा के नहीं रहे, तो खाना कम पानी ज्यादा चाहिए, यानी पानी की व्यवस्था कम है, कम सबसे बड़ा कारण यही मन क्या लगता है आपकी वोट परसेंटेज में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, क्या कारण लगता है इसका? गर्मी बहुत ज्यादा है, जंगल नहीं जा रहे हैं, लोग जो निकले हैं वो लेकिन जो नहीं निकले हैं गर्मी मेन कारण है। गर्मी क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट पड़ रहा है, वोट कर रहे हैं? तो बेरोजगारी बेकारी सब मेन मुद्दे। किस तरीके की सरकार आप तुम सकती है? ताकि आपको हमको जो है सुचारू सुविधा मिले, नौकरी मिले, बेरोजगारियों को रोजगार मिले। क्या नाम आपका? मेरा नाम है मुन्ना चौधरी। क्या लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार वो परसेंटेज कम देखने को मिली, इसका क्या कारण लग रहा है? इतना ज़्यादा गर्मी है, यही सब कारण है, और फिर भी लोग निकल के आए हैं, परसेंटेज बढ़ेगा। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस चुनाव में क्या देखने को आ रहा है? क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं लोग? वोटर तो भाई चैलेंज है, रोड के बारे में विकास विकास के मुद्दे पे दिख रहे हैं वोटर? हाँ, विकास को देखते हैं। क्या लगता है कि जो पार्टियाँ आमने सामने बस्ती में क्या कुछ समीकरण दिख रहा है? समीकरण सपा और बीजेपी। क्या नाम आपका? 17 की अपेक्षा इस बार जो है वो परसेंटेज कम देखने को मिला? 2017 की अपेक्षा इस बार जो है भाजपा का वोट नहीं निकला। परसेंटेज कम होने का कारण क्या दिख रहा है? बीजेपी का वोट ही नहीं निकला। परसेंटेज कम होने का कारण क्या निकल रहा है? कारण ये निकल रहा है कि गठबंधन जो है सबसे आगे है, गठबंधन के साथ झूठ भी से कोई मतलब नहीं, जनता ने मन बना लिया है, बदलना है तो बदलाव करना। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? इस बार मुद्दे हैं शिक्षा, बेरोजगारी, और जो है जनता बदलाव चाहती है, महंगाई, पेपर लीक, दसों मरतबा पेपर लीक, जनता इस नाते से तरस आके बदलाव। और सत्ता का महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।